समाजवादी कार्यालय में महिला सम्मान में रखा गया कार्यक्रम। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुई महिलाएं। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना यादव जी के प्रथम औरैया जिला आगमन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत ही शानदार स्वागत सम्मान किया गया। महिला समाजवादी नेताओं ने वर्तमान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चों की शिक्षा नहीं, अधिकारी मस्त, व्यवस्था पस्त, सरकार गुमराह करने में व्यस्त। और बताया महिलाओं की जो आज राजनीति में व देश के हर क्षेत्र में जो भागीदारी है वो हमें अधिकार संविधान से मिले, इसलिए हम सभी महिलाएं अपने सम्मान के लिए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और प्रियंका साक्य ने बताया हर समाज की महिलाओं की शिक्षा के द्वार ज्योतिबा राव फूले व उनके जीवन संगनी सावित्रीबाई फूले बाबा साहब अंबेडकर ने खोले, जिन्हें सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम जिला अध्यक्ष राजवीर यादव की देखरेख में संपन्न हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। इसी उद्देश्य से हम निकले हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा समाजवादी पार्टी ही कर सकती है और कोई नेता नहीं कर सकता। इस बार दिल्ली में विधानसभा में बहुत ही दमदारी से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उनके लिए और उनको इस बार 2022 में लाने के लिए हम जमीन स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। आज पहले एक समय था जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी और जिनको एक ये माना जाता था कि ये केवल बच्चा पैदा करने के लिए जो लंबे घूंघट में रहें और घर से आज बाहर दहलीज पे ना निकलें। आज आप देख रही हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। ये किसका योगदान है, किसका किसको आप श्रेय मानती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं नमन करती हूँ सावित्रीबाई फुले जी को, जिन जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी और जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षा के लिए और बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत मुहिम चलाई है, तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँगी। और उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं जिन्होंने काम किया है और उन्हीं के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं। योगी सरकार कहती ज़रूर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी बच रही है ना बेटी शिक्षा का, तो आज क्या ही हाल है आप सभी लोगों के सामने। अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम पल्लवी पाल है, मैं औरैया के पूर्व विधायक श्री इंद्रपाल सिंह पाल जी की पुत्री हूँ। आज देख रही हूँ कि महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा निकल के आई हुई है, ये सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? ये देखिए, ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्हीं महिलाओं के ऊपर जाता है, क्योंकि ये महिलाएं पीड़ित हैं। जो पिछले 5 साल में ये जो बीती सरकार ने किया, इन सरकार की जो नाकामियां हैं उनको हटाने के लिए और नई सरकार में अखिलेश भैया को लाने के लिए ये महिलाएं आज हमारे इस पार्टी कार्यालय तक आई हैं। ये सारी महिलाएं आज अपने मन से आई हैं और साथ ही साथ ये आज हमारी जो महिला सभा की जिलाध्यक्ष धन देवी जी हैं, ये उनकी भी मेहनत का फल है। लेकिन ये बात मुझे साफ दिखाई पड़ती है कि आप किसी को जबरदस्ती खींच के यहाँ तक नहीं ला सकते जब तक उनकी खुद की एक इच्छा शक्ति ना हो, क्योंकि वो अब एक सरकार में परिवर्तन चाहती हैं, अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, शिक्षित करना चाहती हैं। और जो किसानों का हाल हुआ है, क्योंकि आज हमारी इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर किसान परिवार से हैं और जानते हैं कि पिछली सरकार में या इस समय जो हमारी वर्तमान सरकार है, इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ गलत हुआ है तो वो किसानों के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है और हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ हुआ है। इसलिए ये सारे लोग आज इधर निकल कर आए हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम जिला अध्यक्ष राजवीर यादव की देखरेख में संपन्न हुआ। शैलेंद्र अंबेडकर जिला अध्यक्ष शिक्षक सभा इस मौके पर मालती गौतम, प्रियंका साक्य, रश्मि रानी, सुमन दिवाकर, सर्वेश कुमारी गुप्ता, उषा दोहरे, अंजलि अवस्थी, बीना सिद्धार्थ, निर्मला प्रजापति, पल्लवी पाल, रेखा वर्मा, धन देवी, रचना सिंह, रामा पाल, कमरून निशा, अनीता ओम बाथम, सुमन देवी आदि सैकड़ों महिलाओं ने कार्यक्रम में पधार कर विचार सुने बा रखे।